देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं द गैस लॉ, जिससे आइडियल गैस इक्वेशंस बनती है वो सारे लॉज हमारे लिए गैस लॉज कहलाते हैं, जिसमें कुछ नाम है बॉयल्स, चार्ल्स, गैलुसेक्स, अवोगाद्रो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जाते हैं बॉयल्स पे, फिर करेंगे हम चार्ल्स पे, फिर गैलुसेक्स पे, फिर अवोगाद्रो पे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, वन बाय वन हम इन सबको पढ़ेंगे। बॉयल्स बहुत अमीर आदमी है, और अमीर आदमी एयर कंडीशन में रहता है, यानी रिच पर्सन है, स्टे इन एसी। एसी में टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ आपको टेम्परेचर कांस्टेंट देखने को मिलेगा, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो पी प्रोपोर्शनल 1/V आएगा, और पी और वी के बीच में कर्व आपको हाइपरबोला मिलेगा। क्लियर है? फिर आता है चार्ल्स, पुअर पर्सन है, स्टे इन रेलवे स्टेशन, विक्टोरिया टर्मिनल पर रहता है। तो वी प्रोपोर्शनल क्या होगा? टी। तो वी और टी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, होंगे या नहीं होंगे? और ये इस तरह से कर्व बनाएगा। अब आगे यानी कि प्रोपोर्शनल लेंगे। फिर थर्ड नंबर पे आ रहा है गैलुसेक्स। गैलुसेक्स मिडिल क्लास आदमी है, मिडिल क्लास आदमी टीचर होता है मेरी तरह। तो किसका टीचर है वो? पीटी का, पीटी कराने वाला टीचर। तो पी प्रोपोर्शनल टी आ गया, पी और टी एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, ये हमारे पास 10। तो जब पी प्रोपोर्शनल टी आ रहा है 10, फिर लास्ट आ रहा है अवोगाद्रो। कोई क्लास नहीं है, नॉन क्लास आदमी है, और डैश है, डायरेक्ट याद ही रखना पड़ेगा वी प्रोपोर्शनल एन। ठीक है? तो मेरी द्वारा बोली गई सभी बातें अवास्तविक है, किसी भी पर्सन से कोई लेना देना नहीं है, कृपया इस बात का ध्यान रखें। यह सिर्फ ट्रिक है याद करने के लिए, इसका किसी भी व्यक्ति विशेष से कोई लिंक नहीं है। और लास्ट में अगर किसी से कोई मिल जाए तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे, हमने किसी का मजाक नहीं बनाया, आप याद करें। ठीक है? तो याद करने के लिए ट्रिक है, तो आपका काम हो गया। नाउ नेक्स्ट, जब हम पी प्रोपोर्शनल 1/V लिख रहे हैं तो बाकी के पैरामीटर जैसे एन और टी यहां पर क्या रहेंगे? कांस्टेंट। जब वी टी की बात करें तो एन और पी यहां पर क्या रहेंगे? कांस्टेंट। जब पी और टी की यहां पर बात कर रहे हैं तो एन और वी क्या रहेंगे? यहां पर कांस्टेंट। और जब वी और एन की बात कर रहे हैं तो पी और टी यहां पर क्या रहेंगे? कांस्टेंट। तो जब आप इन रूल्स को पढ़ रहे हैं तो कुछ कांस्टेंट पैरामीटर पे भी उन पे ध्यान दीजिए, कर लीजिए इनको। तो मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ कर्व करके एक हेडिंग ले रहा हूँ, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि कैसे आप कर्व बनाते हैं। स्टेप फर्स्ट, डिसाइड एक्स एंड वाई। पहले ये डिसाइड कर लो आप कि एक्स एंड वाई एक्सेस कौन से होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कर्व दिया हुआ है पी वर्सेस वाई, पी वर्सेस वाई, तो जो पहले लिखा जाएगा वो आपको एक्स एक्स वाई एक्सेस मानना है, और जो बाद में लिखा जाएगा वो क्या होगा? एक्स एक्सेस। तो ये वाई एक्सेस होगा, ये एक्स एक्सेस होगा। इज दैट क्लियर? तो ये वाई पे यहाँ पी लिख दिया, यहाँ आपने क्या लिख दिया? वी। यहाँ वी वर्सेस पी है, तो ये वाई एक्सेस पे वी लिया जाएगा और एक्स एक्सेस पे ये लिया जाएगा, तो वी वर्सेस पी। कुछ समझ में आया कर बनाना? बोलो हाँ या ना। सेकेंड स्टेप, सेकेंड टिपिकल कर्व लाइक दिस, पी बाय वी वर्सेस 1/V². समझ में आ रही है बात? तो जब हम यहां पर वाई और एक्स ले रहे हैं, ये तो समझ में आ गया कि ये वाई होगा, ये एक्स होगा, स्टेप फर्स्ट है, पता चल रहा है ना। लेकिन आगे कि हम इसको बनाएंगे कैसे, उसके लिए मैंने लिखा है फर्स्ट सेट वाई एक्सेस, देन सेट एक्स एक्सेस। पहले y को सेट करो, एक बार y सेट हो जाए तो फिर कोई भी मल्टीप्लाई और डिवाइड ना मत करो, ना कोई ऐड और सबट्रैक्ट करो, फिर उसके बाद बस उसी में थोड़ी मैथ्स और दूसरी तरह लगा के आप x को सेट करने की कोशिश करो। ठीक है? जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया है लाइक p वर्सेस v और दिस, तो अपन को कैसे भी करके ये कर्व बनाना है, किस किस के बीच में? पी बाय वी वर्सेस 1/V². और मुझे ये मालूम है, जब ये मैं कर्व बनाने वाला हूँ तो मुझे क्या मालूम है? मुझे ये मालूम है कि पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है। मुझे किसको सेट करना है शुरुआत में? वाई, यानी पी बाय वी चाहिए कैसे भी। तो जब मेरे को पी बाय वी चाहिए तो दोनों तरफ में क्या डिवाइड करूंगा? वी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? पी वी बाय वी स्क्वायर का डिवाइड कर दिया, एन आर टी बाय वी स्क्वायर का डिवाइड कर दिया। जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा? पी बाय वी इज इक्वल टू एन आर टी
बाय 1 अपॉन वी स्क्वायर। तो ये हमारे पास पी बाय वी की जगह जहां पर भी आ जाएगा वहां वाई लिख देना, और बाकी देख लेना एम एक्स। तो ये जो कर्व बनेगा हमारे लिए कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, सही है। तो आपका आंसर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, क्योंकि आपने कर्व पहले ही पढ़ लिए क्या होते हैं। तो ये आपके लिए हो जाएगा किस किस के बीच में, पी बाय वी वर्सेस 1/v² के बीच में कर्व, स्ट्रेट लाइन है। मैं इसको ओरिजिन पे नहीं मिला रहा, उसका रीजन है कि ओरिजिन पे 1/v² की वैल्यू क्या आएगी, जीरो, यानी वी इनफाइनाइट, जो कि पॉसिबल नहीं है थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली भी नहीं है। ये आपके पास y इक्वल टू एम एक्स वाला करवाया, यस और नो? अगर इसी क्वेश्चन में आपको एक और दिया जाता, सपोज वो इस तरह से देते, पी बाय वी वर्सेस 1/v दे देते, क्या दे देते, 1/v। तो अब आप यहां तक तो कर ही चुके थे, क्या कर चुके थे, पी बाय वी इक्वल टू एन आर टी बाय 1/v² तो आपको क्या सोचना चाहिए था, यहां पर P by V की जगह क्या लिखते आप, Y, NRT की जगह आपके लिए क्या लिखते, C, ये सॉरी M, M, जो, और यहां हमारे पास होता 1/v की जगह क्या लिखते हैं, X, 1/v² है, हमने 1/v ले रखा है, X, तो ये क्या हो जाएगा, X² समझ में आ रहा है, X² क्योंकि 1/v² है और यहां 1/v है, तो 1/v एक्स है, तो ये X² तो कर्व कैसा बनेगा, ये ऐसा, बोलो क्लियर है, हाँ या ना? तो ये कर्व बनेगा। तो चलिए इसी के अंदर अगर ये कर्व होता, v दे दिया होता तो क्या बनता, तो ये कर्व होता इस जगह, इक्वेशन सामने है, ये होता है y प्रोपोर्शनल 1/x² इनवर्स हाइपरबोला टाइप होता, क्लियर है? तो कर बनाना आपके लिए बहुत आसान है, हम और प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे, देखिए क्या ये दोबारा समझाना है, हाँ या ना में आंसर दीजिए, क्या ये दोबारा समझाना है, तो ये दोबारा समझाना है। देखो मेरे पास ये इक्वेशन है, P by V की जगह क्या लिख दिया मैंने, मेरे लिए क्या है, P by V की जगह मैंने क्या लिखा, Y, NRT तो कांस्टेंट है ही, 1/v² है, तो एक तरह से मैंने क्या लिया है, यहां पर V लिया है, तो 1/x² हो जाएगा, V की जगह X लिख दो बस, V की जगह X लिखोगे तो यहां पर क्या आएगा, V की जगह X लिखते ही ये x² आएगा, और इस जगह 1/v की जगह X लिखो, 1/v की जगह X लिखते ही ये क्या बन जाएगा, x², तो बस एक बार हमारे को इक्वेशन मिल गया जाए वाई और एक्स की तरह इक्वेशन में नॉर्मल, तो हम कर्व को बहुत आसानी से बना लेते हैं, बना लो। देखो ये एक कर्व है, पीटी वर्सेस t² कर्व, हमें इतना मालूम है, हमें पहले बताया सर ने हमारे कि पहले वाई को सेट करो फिर एक्स को सेट करो, और सेट करने के लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी का यूज करो, तो पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी, बोलो यस और नो? ये हम जानते हैं बचपन से। तो अब आप क्या करो, आपको पीटी चाहिए, एन आर टी, t² का डिवाइड मल्टीप्लाई करो और वी का डिवाइड कर दो, भाई यही तो है, गलत बोल दिया, पीटी से मल्टीप्लाई दोनों करना है, वीटी से मल्टीप्लाई करना है, टी का डिवाइड करना है, टी से मल्टीप्लाई करना है, वी से डिवाइड करना है, तो ये जो वी से वी कट जाएगा तो क्या बचेगा यहां पर, पीटी इक्वल टू t² / v, तो एक तरह से आपके पास पीटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, y mx², तो ये कर्व पैराबोला होगा, ठीक है, तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए
कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो एक और क्वेश्चन करो। पीवी वर्सेस टी कैसे बनेगा? पहले किसको सेट करना है? वाई को। किससे सेट करना है? पीवी इक्वल टू एनआरटी से। तो ये तो वाई सेट हुआ हुआ है, ये तो पूरा। पीवी की जगह क्या लिख दोगे आप? वाई। एनआरटी की जगह क्या लिख दोगे? एम एक्स। ये तो पहले से ही सेट है। तो यहाँ पीवी और यहाँ क्या हो जाएगा आपके लिए? टी। एक स्ट्रेट लाइन जाएगी और इसका जो स्लोप होगा थीटा, वो टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? एन आर। क्लियर है? तो ये तो रहा हमारे पास पॉइंट सारे। एक और कर्व देखते हैं। वी और वन बाई नहीं वन बाई नहीं रूट टी किसको सेट करना है? पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो पी इक्वल टू एन आर टी बाय वी। तो ये तो हो गया आपके लिए पी। नहीं, यहाँ वी रखना है और यहाँ क्या रखना है? पी। वी की जगह वाई। एन आर बाय पी कॉन्स्टेंट है। अब ध्यान से देखिएगा, एक मिनट लिखे ना पहले समझे। रूट टी है और हमारे पास क्या है? टी है। तो रूट टी यानी कि रूट टी को एक्स मान रखा है, तो टी का मतलब तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये चीज कांस्टेंट है बाय डिफॉल्ट, तो वाई प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर। कर्व कैसा जाएगा? ऐसा। तो एक स्ट्रेट लाइन है, एक पैराबोला है, एक पैराबोला इस तरह से। बोलो क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट्स? करें इसको। करें शुरू। तो अभी हम बात जो कर रहे हैं, तेजी से कुछ खास पॉइंट हमारे पास और हो रहे हैं। हमें ये दिया गया है, पी प्रोपोर्शनल वन बाय वी के कर्व, यानी बॉयल्स टेम्परेचर। ये टी वन टेम्परेचर पे, ये टी टू टेम्परेचर पे, ये टी थ्री टेम्परेचर पे। और हमसे पूछा जा रहा है इस जगह बॉयल्स कर्व के लिए आपको एक ही चीज बोली गई है। क्या बोली गई है? कि भाई पी प्रोपोर्शनल वन बाय वी। बोलो बोला गया है या नहीं गया है? मैं यही याद करूं? अच्छा, जब मेरे से ये बोला गया है पी प्रोपोर्शनल वन बाय वी, तो कहीं ना कहीं मुझे इसको और समझने की भी जरूरत है। समझे हम इसको कि क्या हमारे पास टी वन टी टू टी थ्री में क्या रिलेशन है? हम एक काम करते हैं, एक लाइन खींच देते हैं, स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो सबसे ज्यादा प्रेशर किसके लिए है? इसके लिए। तो मान लीजिए यहाँ प्रेशर पी वन पी टू पी थ्री है, तो पी वन इज ग्रेटर देन पी टू, पी टू इज ग्रेटर देन पी थ्री। तो इसका मतलब टी वन इज ग्रेटर देन टी टू, टी टू इज ग्रेटर देन टी थ्री। क्या ये चीज सही है? बोलो यस। बस तो लिख रहे हैं इसको पी टी कर्व, यानी गैलुसेक कर्व। ये पी और ये टी, ये वी वन वॉल्यूम, वी टू वॉल्यूम, वी थ्री वॉल्यूम। और पूछा जा रहा है कि वी वन वी टू वी थ्री में क्या रिलेशन है? तो आप एक लाइन बिल्कुल सीधा कर लो। मान लीजिए पी वन यहाँ पर है, यहाँ पर पी टू है, यहाँ पर पी थ्री है। तो पी वन पी टू पी थ्री यही होगा। तो पी और वी इन्वर्सली है। वी थ्री सबसे ज्यादा होगा इसमें, सही है? आपको अलग अलग वॉल्यूम पे ये लिया गया है, तो जल्दी से बनाए।